हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर आपका। इस आज मॉर्निंग में मैंने रैंडमली एक सोलो का मैच लगाया और भाई मेरे मैच में आ जाते हैं बंदूकबाज भाई। अब यार ये मेरे को जल्दी पहचान जाते हैं एंड जैसे यार मैं इनके ऊपर पबजी पार्टनर का टाइटल देखता हूँ तो मैं भी समझ जाता हूँ कि ये रियल है, क्योंकि भाई ये जो टाइटल है ये कुछ लिमिटेड यूट्यूबर्स को मिला है, सबको नहीं मिला है। और जिन यूट्यूबर्स को नहीं मिला है भाई उनकी जली पड़ी है, मतलब कि हमें क्यों नहीं मिला। खैर जो भी था भाई, अब जैसे ही मैं ये टाइटल देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि ये रियल वाले हैं और यहाँ पर हमारे बीच बातचीत होती है और ये डिसाइड होता है कि चल देखते हैं भाई कौन किसको मारता है। और यहाँ पर यार मैं हल्का सा नर्वस सा हो जाता हूँ क्योंकि एकदम से भाई जब बंदूकबाज भाई आ जाते हैं तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अब इसके बाद मैं अपना प्लेन पाथ देखता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं जाऊँगा रोजोक में। अब इसके बाद मैं रोजोक उतर रहा था एंड इन ऊपर वाले ग्रुप पे, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि मेरे से पहले एक बंदा यहाँ पे उतर रहा है। अब इसके बाद इधर के सारे घर लूटने के बाद बस मेरे को शॉर्ट गन मिलती है और इस वाले बंदे को जैसी गन मिलती है ना भाई तो ये मेरे ऊपर रश कर देता है। अब यहाँ पर मैं टोटली मैंने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ पर ख़त्म हूँ और मतलब मेरा सपना ही रह जाएगा बंदूकबाज भाई से क्लासिक मैच में फाइट लेने का। खैर जो भी था, यहाँ पर मैं बहुत ही इत्मीनान से भाई इसका वेट कर रहा था कि जैसे ये ऊपर आए तो मैं एक शॉर्ट गन की गोली कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, पर जब ये मेरे ऊपर रश नहीं करता तो भाई मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ। अब शायद ये यहाँ पे खड़ा होकर कोशिश कर रहा था कि मेरे फुटप्रिंट ले सके, पर इतने में भाई मैं जल्दी से नीचे आकर इसको मार देता हूँ एंड इसकी क्रेट से मेरे को मिल जाती है M4। अब इसके बाद क्या था कि मैं इधर से जा ही रहा था एंड तभी यार सामने मेरे को सैक में एक बंदा दिखाई देता है। अब इसको मैं थोड़ा मारने की कोशिश करता हूँ पर ये बच के निकल जाता है। अब आता हूँ मैं इस वाले घर के कवर में और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ना भाई तो सामने वाले विंडो में भाई मेरे को गन ग्लिच होकर इसकी पोजीशन पता चल जाती है। अब इसके बाद ये जो बंदा था ये काफ़ी ज़्यादा डिटता है क्योंकि भाई ये मेरे को पीक ही नहीं रहता। खैर इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पूरा लेफ्ट से इसके ऊपर रोटेशन लूँगा। और मेरे भाई ये होता है रोटेशन लेने का फायदा, मतलब इस बंदे को लग रहा होगा कि मैं अभी भी उस कोने पर हूँ लेकिन इतने में भाई रोटेशन ले चुका था। खैर इसके बाद इसकी क्रेट से भाई मेरे को AKM वगैरह मिल जाती है। अब इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो सामने मेरे को एक बंदा दिखता है। अब यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कुछ गोलियाँ कनेक्ट करने की, पर जब गोलियाँ कनेक्ट नहीं होती है तो मैं राइट से रोटेशन लेता हूँ बिल्कुल सावधान तरीके से, क्योंकि ये बंदूकबाज भाई भी निकल सकते थे। अब इसके बाद मैं जैसे ही आता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि पीछे कोई बंदा है और देखो भाई साहब मेरा शक बिल्कुल सही निकलता है, लेकिन ये एक बोट निकलता है। खैर इसके बाद मैं बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ता हूँ और इसके फुटप्रिंट से मेरे को ये पता चल जाता है कि ये छत पे है और विंडो के पास खड़ा है। अब इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि कहीं यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होता है, ये रहता है बिल्कुल छत पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ जिससे कि इसका जो विज़न है वो थोड़ा ब्लॉक हो जाए। अब ये जो बंदा था भाई इसके फुटप्रिंट से मेरे को पता चल जाता है कि ये जो है छत के ऊपर एक छोटी सी जगह होती है ना सीढ़ियों के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ चुका है। अब यहाँ पर यार मैं इस वाले बंदे के फुटप्रिंट ले रहा था और ये जो बंदा था भाई साहब कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट दे रहा था और मेरे को भाई पूरा कन्फर्म हो चुका था कि यही बंदूकबाज भाई है। अब इसके बाद मैं भगवान का नाम लेके भाई साहब रश कर देता हूँ। अब भाई इस वाले बंदे के पास रहती है उजी और मैं समझ जाता हूँ कि अगर मेरे को इस वाले बंदे को मारना होगा तो भाई मेरे को इसको सबसे पहले कन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको मैं कन्फ्यूज़ कैसे करता हूँ कि जैसे ही मैं गेट पर आता हूँ ना तो भाई ये आ जाता है खिड़की पर, और जैसे ही मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो ये आ जाता है गेट पर, और ऐसे करके मैं इसको कन्फ्यूज़ करता हूँ। और जैसे ये थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है तो इतने में मैं रश कर देता हूँ। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा था और भाई साहब मेरी हेल्थ देखो, मतलब अगर एक गोली भी लग जाती उसी की तो मेरा काम तमाम यहीं हो जाता और बंदूकबाज भाई से फाइट लेने का मेरा सपना सपना ही रह जाता। खैर इसके बाद अपना रोजोक क्लियर हो चुका था तो अब बारी आती है भाई बंदूकबाज भाई को ढूंढने की, तो मैं यहाँ से लंबारी लेता हूँ और मैं निकलता हूँ पोचिंकी की तरफ।
अब इसके बाद देखो, मैं जैसे इधर की साइड से पोचिंग की जा रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे लेफ्ट में यूएस है। अब इस यूएस को देखने के बाद भाई मेरे को थोड़ा शक हो जाता है कि ये बंदूकबाज भाई ना हो, कभी ये पोचिंग के क्लियर करके स्कूल की तरफ आ रहे हो मेरे को ढूंढने। अब इसके बाद मैं फटाफट इन वाले घरों पर आता हूँ, और ये बंदा जो था पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मेरे ऊपर रस कर रहा था, और यहाँ पर मेरे को 50% कन्फर्म हो चुका था, क्योंकि सोलो में रैंक पुशिंग लॉबी में कोई इतनी जल्दी किसी के ऊपर रस नहीं करता। अब इसके बाद मैं बालकनी में बैठ के इस वाले बंदे के फुटप्रिंट ले रहा था, लेकिन तभी मेरे को याद आता है कि भाई अलकायदा वालों को बंदूकबाज भाई ने ही ट्रेनिंग दी है ग्रेनेड्स करने की। तो भाई मैं तुरंत घर से बाहर कूद जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था भाई किसी भी टाइम उनका नेड आ सकता है। और मेरे भाई खैर, इतने में इस बंदे का नेड फेल होता है, तो ये आता है इस वाले कोने पर। और यहाँ पर इसकी गलती, इसको लगता है कि मैं अभी भी घर पे हूँ, लेकिन मारने के बाद मेरे को पता चलता है कि ये भी अपने बंदूकबाज भाई नहीं है। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, मतलब पोचिंग की तरफ। अब देखो, अब मैं यहाँ से भाई साहब गाड़ी लेकर जा रहा था, और तभी अब कोई बंदा यार फायरिंग करता है। अब फायरिंग यार ओनली मतलब वही बंदे करते हैं जो कि फुली रस खेल रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि भाई उनको किल चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर यार मेरे को बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि यही बंदूकबाज भाई हैं, क्योंकि यार बंदूकबाज भाई अधिकतर पोचिंग के उतरते हैं। खैर, इसके बाद गोलियों की आवाज़ से मेरे को इतना पता था कि ये जो होंगे भाई ये होंगे थ्री स्टोरी की तरफ या फिर उधर वाले घरों की तरफ। तो मैं राइट से रोटेशन ले रहा था, और जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो मेरे को सामने वॉल पे एक बंदा दिखाई देता है। अब यहाँ पर यार मैं जैसे इस वाले बंदे को थोड़ा डैमेज देता हूँ, तो ये चला जाता है भाई थ्री स्टोरी की तरफ, और ये सही टाइम था इसके ऊपर नेड करने का। अब इसके बाद यहाँ पर मैं हल्का कंफ्यूज हो जाता हूँ कि नेड किधर करूँ, सीढ़ियों पे या फिर सेकंड फ्लोर पे, और कंफ्यूजन में भाई नेड बेकार हो जाता है। खैर, इसके बाद ये जो बंदा था ये पीछे की तरफ भाग रहा था, तो मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ, और इसको मारने के बाद पता चलता है कि ये भी बंदूकबाज भाई नहीं है। खैर, यहाँ पर अब बंदे कम बच रहे हैं, सर्कल छोटा हो रहा है, तो अब जल्दी यार हमारी मुलाकात होने वाली है बंदूकबाज भाई से। खैर, इसके बाद मैं डासिया उठाता हूँ और आ जाता हूँ भाई गटका, क्योंकि गटका जो था वो जोन में था। अब इसके बाद मैं जैसे यहाँ से जा रहा था ना भाई, तभी मेरे को रेड वाली बिल्डिंग के पास एक बंदा दिखाई देता है। अब इसके बाद आकर मैं सिंपली यहाँ पे टीपीपी लेता हूँ। अब इसके बाद मेरे को इसके फुटप्रिंट आने जैसे ही बंद होते हैं ना भाई, तो मैं इसके ऊपर एक नेड करता हूँ। और मेरे भाई एक इजी किल। खैर, इसके साथ यहाँ पर भी अपने बंदूकबाज भाई नहीं मिलते, और मेरे को इतना पता था ना भाई कि जितनी बेसब्री से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ ना भाई, सेम उसी तरीके से वो भी मेरे को ढूंढ रहे होंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा भाई कौन किसको मारता है। खैर, यहाँ पर अब और बंदे कम हो चुके थे, और मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं जाऊँगा ड्रॉप पर, जैसे नेक्स्ट ड्रॉप होता है। अब जो नेक्स्ट ड्रॉप होता है वो होता है भाई सामने की तरफ। अब इसके बाद मैं ड्रॉप की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अधिकतर चांस हो सकते हैं कि बंदूकबाज भाई मेरे को उधर ही मिले। अब देखो, यहाँ से मैं चुपचाप जा ही रहा था, एंड जैसे मैं स्नाइपर टावर की तरफ बढ़ता हूँ भाई, तभी स्क्वाड हाउस से एक यूएस निकलती है, और देखो वो कौन होता है। अरे यार, ये भी बंदूकबाज भाई नहीं निकलते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पागल बना रहा है, मतलब बंदूकबाज भाई कहीं पे मर गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई देखो, उनकी और मेरी फाइट बहुत ही जल्द होने वाली है। अब इसके बाद क्या था कि इस वाले बंदे को मैं स्मोक वगैरह करके लूटता हूँ। अब इसकी क्रेट से यार मेरे को नेट्स वगैरह मिल जाते हैं। अब देखो, आपने ध्यान दिया तो मेरी डासिया का फ्यूल खत्म था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं गैराज से डासिया चेक करता हूँ। अगर वहाँ पर डासिया ली तो मैं उस डासिया को लेकर निकलूंगा, लेकिन अब जैसे यार मैं अपने आप को बूस्ट कर रहा था, तभी जोर जोर की तरफ से एक डासिया आती है, और जैसे मैं इस डासिया की स्किन देखता हूँ, तो इस बार कतई 101% कन्फर्म हो गया था कि यही बंदूकबाज भाई है। और देखो, और भाई फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने यार बंदूकबाज भाई को मार दिया, मतलब यहाँ पर भाई साहब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो अब यार आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला काम, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप, और बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर देना। और सेकंड चीज ये करनी है ना भाई, आपको बंदूकबाज भाई के चैनल पर जाना है और उनकी वीडियो पर स्पैम कर देना बिल्कुल, ठीक है, कि मास्टर ने आपको मारा, स्कोर जो है वो 1-0 हो गया है, आप उससे बदला कब ले रहे हो, कब मार रहे हो उसको, मतलब स्पैम हो जाना चाहिए बिल्कुल उनकी वीडियो पर। तो जल्दी से जाओ बंदूकबाज सर्च करो और उनके लेटेस्ट वीडियो पर स्पैम कर दो कतई।
खैर इतने में यहाँ पर दो यूएस वालों के बीच में रेस लग रही थी, और इस यूएस वाले की भाई ड्राइविंग थोड़ी बेकार रहती है और इसकी यूएस ठुक जाती है यहाँ पर, और इतने में भाई साहब मैं इसको इजीली मार देता हूँ। खैर इसके बाद अभी भाई साहब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। खैर यहाँ पर इसके बाद मैं थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि अब वापस से भाई साहब रस करने निकला जाए। अब इसके बाद आता हूँ मैं जोर्जो सिटी के इस वाले पहाड़ पर, एंड यहाँ पर आकर अपनी डासिया कवर बनाता हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा जोर्जो सिटी से भाई जोन में आ रहा होगा तो जिससे कि मैं उसको इजीली मार दूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं किसी को स्पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर जब मेरे को कोई भी स्पोर्ट नहीं होता तो भाई मैं यहाँ से डासिया लेकर निकलने लगता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था तभी सामने मेरे को एक यूएस दिखाई देती है। अब यहाँ पर भाई मैंने इसके यूएस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, मतलब यूएस की हेल्थ कतई आधी कर दी होगी, जो कि यार मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। खैर यहाँ पे ये जो बंदा था ये यहाँ पर रुक चुका था, क्योंकि जैसे मैं इधर से जा रहा था ये मेरे को फर्स्ट वेयर हाउस में दिख जाता है। अब यहाँ पर मैं अपनी डासिया को रोकता हूँ और ये जो बंदा था ये मेरे पर रस कर रहा था, और देखो अब यहाँ पर मैंने इसको फायरिंग करके थोड़ा स्लो कर दिया था, और अब बारी आती है भाई साहब नेट्स की बारिश करने की। इसके बाद ये जो बंदा था ना भाई साहब ये इतनी ज़्यादा मूवमेंट दे रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि नेट करूँ तो कहाँ करूँ। खैर इसके बाद मैं ये वाला नेट करता हूँ, और फाइनली ये वाला बंदा मेरे चौथे नेट से मरता है, तो इस बात पे मैं एक इमोट करता हूँ कि भाई फाइनली मैंने तेरे को मार दिया, मतलब बस ऐसे ही करता हूँ ठीक है, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना इसको। खैर इसके बाद मैं इसकी क्रेट वगैरह लूटता हूँ, और याद हो तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसकी यूएस की हेल्थ दिखाऊंगा, तो देखो भाई इसकी यूएस की हेल्थ भाई साहब कतई आधी से कम कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि इसके यूएस से तो कदे नहीं जाऊँगा, पता चले एक दो बंदे स्प्रे मारे तो रास्ते में फूट जाएगी है। खैर इसके बाद मैं इसकी डासिया लेकर आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो घर थे छोटे से ये थे जोन में। अब इसके बाद क्या था कि मेरे ठीक सामने भाई साहब जहाँ से मैं निकला था स्कोड हाउस से वहाँ पे हुआ था ड्रॉप, और भाई वहाँ पे बग्गी वगैरह भी आ गई थी, तो मेरे को इतना पता था कि वहाँ पर बंदे आ चुके हैं। अब इसके बाद मैं ड्रॉप पर AWM खोल के खड़ा था कि जैसे कोई आए मैं उसको मार दूँ, लेकिन यहाँ पर भाई साहब कोई भी नहीं आता। अब इसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आप सामने की तरफ रश किया जाए, और जैसे ही मैं रश कर रहा था तभी भाई मेरे को सामने की तरफ पत्थर पे एक बंदा लेटा हुआ दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर यार मेरे को नहीं पता ये हेडशॉट क्यों नहीं था। अब दूसरी बारी में इसके पैर दिख रहे थे तो मैं इसके पैरों पर मार देता हूँ। अब इसके बाद क्या था ना कि मैं उनके ऊपर रस नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो बंदा था ऊपर अभी ये मेरे को शायद डासिया से उतार सकता था, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेता और यहाँ पर बैठ के इधर उधर देखने लगता हूँ। और इतने में मेरे को दिखाई देता है कि एक बंदा जोर्जो पोल की तरफ से भाई साहब जोन में आ रहा है, और मेरे भाई कैसा लगा भाई ये वाला क्विक स्कोप हेडशॉट, मतलब अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है MasterXAnush, तो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो, 40K होने वाले हैं, और खैर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। खैर इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा होल्ड कर रहा था और वेट कर रहा था नेक्स्ट जोन का। अब जैसे ही अपना नेक्स्ट जोन बनना था ना भाई, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ स्कोर्ड हाउस पे जाऊँ या फिर राइट से उस वाले पत्थर पे जाऊँ, लेकिन इतने में जो स्कोर्ड हाउस वाले बंदे थे ना भाई वो इस पत्थर वाले बंदे को मार देते हैं। और जैसे मैं किल फील्ड देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई ये पत्थर वाला बंदा मर गया है, तो अब फाइनली मैं ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। अब इसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर मेरे साथ कितने गंदे वाला गलत सीन होने वाला है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मेरे को नहीं पता ये हेडशॉट क्यों नहीं था। खैर इतने में मेरे को फिर से लेफ्ट में एक बंदा दिखाई देता है बग्गी के पास। अब जैसे ही हेडशॉट मारने वाला था ये हिल जाता है और दूसरे वाला शॉट बच जाता है। खैर इसके बाद स्प्रे, और मौके का फायदा उठा लिया इस AWM वाले बंदे ने। खैर गाइस गेम प्ले कैसा लगा आपको, मतलब
गेम प्ले तो अच्छा लगा ही होगा, और बहुत बड़ा काम किया मैंने इस वाले गेम प्ले में, तो लाइक तो करना ही पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड याद से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पता नहीं क्यों नहीं करते यार आप सभी, तो कर लेना इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो यार मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी और न्यू गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट गेम प्ले, पीस।